हेलो भाई, ये जो लोग पहले खड़े हैं पहले उनसे गुजारिश है, बैठ जाए। रुको ना यार 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुको ना यार, क्या लगा? जो लोग खड़े हैं पहले बैठ जाए। अब आप लोगों के दरमियान में इम्तियाज जलील साहब, आप लोगों के दरमियान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमारी आवाम पानी में भीग कर यहां पर इतने घंटों से बैठी है तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपके साथ वैसे ही खड़े रहे। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हल्का हूं सब, मैं हल्का, एक के ऊपर एक रख दल। अरे नहीं, अच्छा माइक, मैं शायद जिंदगी में ये मंजर कभी भूल नहीं सकता कि मेरी माए और बहनें भी बारिश के अंदर पानी में इस तरीके से बैठी हुई है। हम न जाने कितने जलसे हम करें, लेकिन ये मंजर मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकूंगा कि इतनी बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों का जोश। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, यही वो मोहब्बत है जो आज हमें ताकत दिलाती है, यही आप लोगों का जोश है, जज्बा है, जिसने आज महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर एक नई ताकत, एक नई उमंग और एक नई पहचान दी है। और वो पहचान ये है कि चाहे कितनी भी ताकतें तुम लगा ले, हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। उसमें आपने देखा है, मेरे लिए दिक्कत यह है कि ये मीडिया वालों की परेशानी यह है कि 23 तारीख के दिन जब हम आए थे यहां पर इतना बड़ा काफिला लेकर, तो एक चैनल वाले ने यह बताया था कि यह पाकिस्तान नहीं है, यह बांग्लादेश नहीं है, यह मुंबई है। पाकिस्तान तुम जाओ, बांग्लादेश तुम जाओ, ये भारत देश हमारा है। जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। हुकूमतें आएगी, हुकूमतें जाएगी, लेकिन एक बात हम दोबारा, ये रिकॉर्ड कर रही है, एक बार हुकूमत को दोबारा कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी तो सिर्फ एक झलक दिखाए थे, और अगर इसके बाद भी तुम अपने रवैये के ऊपर अड़े हैं तो चलिए हम भी तैयार हैं। कितना कितना तुम क्या क्या करने वाले हैं। महज पुलिस की मदद लेकर हमें रोका जा रहा था, मुझसे कहा गया कि नहीं, तुम निकाल नहीं सकते हैं, रैली निकाल नहीं सकते हैं, तुम्हें परमिशन नहीं दी गई है। मैं बोला ए सोन, मैंने मांगा नहीं तुझसे परमिशन, मैं निकल रहा हूं। और हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर मैंने ये कहा कि पहले तो मैंने जब ऐलान किया कि 23 तारीख को मुंबई चलना है, तो उस वक्त मैंने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी बड़ी रैली देखी नहीं गई होगी। लेकिन जिस दिन निकलने का वक्त आया, सुबह सुबह मीडिया वाले आए, तो मैंने उन्हें एक बात बताया और उन्हें यह बताया मैंने कि हिंदुस्तान के तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली मुसलमानों ने कभी निकाली नहीं होगी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देखने को मिलेगी। यकीन मानिए,
मेरा इसमें कोई ये नहीं है। मैंने सिर्फ अपने हुजूर की मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में मैंने सिर्फ आवाज लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह काफिला बढ़ता गया और ऐसा बड़ा कि पुलिस वाले मुझसे खुद पूछ रहे थे इतने आए कहां से। मैंने उस रैली के बाद मुझे कोई गुलबर्गा कर्नाटक से फोन करता है कि इम्तियाज भाई हमारी 40 गाड़ियां तैयार है। कोई उत्तर प्रदेश से, कोई गुजरात से कहता है कि आवाज दो हम पहुंच जाएंगे। आज मैं हुकूमत को आवाज दे रहा हूं सुधर जाओ, इसमें सौदा नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आखा के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए, पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा ये जितने लोग चल रहे हैं ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे, अरे अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम अपनी जाने कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जाने कुर्बान कर सकते हैं तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई, मुख्यमंत्री साहब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमचा केशाला ही हाथ लाऊ देनार नाही, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, तखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ
एक छोटी सी झलक दिखाए, जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को ये झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे 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 प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा। और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, छह छह गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर, अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है, किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे, ओ आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद यह ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते, चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की, लेकिन सिर्फ उस सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार,
उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पिल्लो तू भी सुन ले, पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी। अबे सुना उनको, मेरे भाई, मैं आज, मुझे आज इतना फख्र है, मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब होटल से निकल रहे थे तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब बारिश बहुत तेज हो रही है, आज जलसा करना मुमकिन नहीं है। असद साहब ने पूछा कि वहां पे अगर 5 लोग भी हो गए, 5, तो मैं जाऊंगा, आंधी आए तूफान आए मैं मेरी आवाम से बात करूंगा। ये जज्बा किसी में नहीं है मेरे भाई। हम भी आपकी तरह भीगने के लिए आए, लेकिन माइक वाले ने कहा कि साहब अगर माइक हमारा भीग गया तो ये माइक बंद हो जाएगा, तो इसलिए इसका सहारा लेना पड़ा। वरना ये तय कर लो, अगर आप धूप में बैठेंगे तो हम भी धूप में बैठेंगे, आप बारिश में बैठेंगे तो हम भी आपका बारिश में साथ देंगे। बस मैं आप लोगों से जाते जाते असद साहब को यहां बुलाने से पहले एक नारा चाहता हूं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मीडिया वालों ने मुझसे पूछा इसका मतलब क्या होता है, मैं बोला बहुत दिनों के बाद तुमको समझ में आएगा क्या होता है करके उसने जोरदार तालियों से मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब।